नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। जिला अस्पताल बौराड़ी में पोलियो कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया, जिसकी शुरुआत बीजेपी के जिलाध्यक्ष विनोद रतूड़ी ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी को अपने छोटे छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलानी चाहिए और पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने जिला अस्पताल के बारे में बताया कि पहले की भांति प्रबंधन में सुधार हुआ है। आजकल जिस प्रकार की शिकायतें अस्पताल से आ रही हैं, उसके बारे में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एडिशनल सीएमओ एलडी सेमवाल ने कहा कि पोलियो अभियान के जिले में 680 बूथ बनाए गए हैं। इसके लिए प्रत्येक जिला पर बूथ लगाए गए हैं और बूथों की संख्या मैं आपको बता देता हूँ। तो उस पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक वहाँ पर टीकाकरण किया जाएगा और इसका वृहद प्रचार प्रसार भी किया गया शुक्रवार को, शनिवार को। श्रीनगर में कालियासौड़ के पास एक आई-10 कार अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में जा गिरी। सड़क से लगभग 100 मीटर नीचे गिरी कार सीधे अलकनंदा जल विद्युत परियोजना के बांध में समा गई। दुर्घटना के वक्त कार में 3 लोग सवार थे, जिसके गिरते ही कार में सवार एक बच्ची पहाड़ी में छटक गई, जबकि 2 अन्य लोग कार समेत अलकनंदा नदी के गहरे पानी में डूब गए। घटना के बाद 100 मीटर दूर पर स्थित कालियासौड़ चौकी से पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले बाइक सवार एक युवक ने पहाड़ी से कूदकर लड़की को सड़क पर ला दिया था, जिससे श्रीनगर के बेस अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कार को ढूंढने की पूरी कोशिश की और 3 घंटे के बाद एक शव को कार से निकाला गया, लेकिन दूसरा शव बरामद नहीं किया गया। मसूरी में निवास कर रहे मजदूरों ने आईडीएच के समीप मजदूरों के लिए बन रही निर्माणाधीन बिल्डिंग को लेकर बीजेपी मंडल अध्यक्ष से चर्चा की। मजदूरों ने उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत करवाया। मजदूरों ने बताया कि निर्माण एजेंसी के द्वारा 40 कमरे तैयार किए जाने थे, लेकिन आज तक केवल 24 कमरे ही तैयार हो पाए। उनमें से भी अधिकांश में बाहरी लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि पालिका के द्वारा बिल्डिंग के समीप ही कूड़ा डंपिंग जोन बना दिया गया, जिस वजह से बिल्डिंग में रहना काफी मुश्किल हो रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने मजदूरों को भरोसा दिलाया कि किसी भी पात्र व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जीएनयूआरएमएम के तहत 2006-07 में जो सर्वे हुआ था और 3 परिवारों के लिए, तो 2011-12 में बन के इसमें तैयार होना था। 4 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था केंद्र सरकार का, और जो आज तक तैयार नहीं हुआ। जो 40 कमरे कह रहे हैं यहाँ पे तैयार होने, तो उसमें से 24 ही पूर्ण रूप से तैयार हैं और 16 इनकम्प्लीट है। और यही नहीं, जो नगर पालिका ने जो जिस तरह से आप लोगों ने बताया कि 2005 में जो सत्यापन के लिए जो लिस्ट मांगी थी, उसके बावजूद भी उनमें से 10-12 ही लोग हैं जो पात्र लोग हैं जिनको यहाँ पे। चमोली जिले के प्रयाग क्षेत्र में इन दिनों एनएच के द्वारा सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय व्यवसायियों और लोगों ने एनएच के निर्माण कार्य में पूरा सहयोग किया और अपने व्यापारिक संस्थानों को भी बंद रखा। लेकिन वर्तमान समय में आधा अधूरा कार्य करके व्यापारिक संस्थानों को परेशान कर दिया गया है। व्यापारियों का कहना है कि जिस तरह से एनएच आधा अधूरा कार्य छोड़कर बड़े बड़े गड्ढे करके निकल गया, उससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। वहीं व्यापारियों का आरोप है कि लापरवाही के चलते ही पेयजल की लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जाता तो आंदोलन किया जाएगा। ये शिकायत मेरे संज्ञान में अभी आई है, मैं चेक करा लेंगे कि वहाँ पे अगर एनएच वालों ने नाली खुदान करके काम अधूरा छोड़ दिया है या भराव वगैरह नहीं कराया, तो उसको हम तत्काल ही चेक करा लेंगे, और यदि ऐसा पाया जाता है तो कार्यवाही भी करेंगे, और जो नाली खुली छोड़ी गई है या काम अधूरा छोड़ा गया है उसको तत्काल ही पूरा कराया जाए। प्रगतिशील जनमंच के बैनर तले श्रीनगर में राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि षड्यंत्र टापू कांड में शहीद हुए शहीदों के स्मारक अब जनता खुद अपने प्रयासों से ही बनाएगी। आपको बता दें कि श्रीनगर की जनता लंबे समय से षड्यंत्र टापू को शहीद स्थल के रूप में विकसित किए जाने की मांग कर रही थी, लेकिन इन मांगों पर सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद अब जनता खुद ही स्मारक बनाने की तैयारी कर रही है। सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए था, परंतु अगर यहाँ की जागरूक जनता, श्रीनगर का इतिहास है और वो जो 1994 में डालमिया धर्मशाला में हमारे बच्चों के द्वारा कमंडल मंडल की जो लड़ाई शुरू हुई थी, वहीं से जो है उत्तराखंड आंदोलन का एक जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में टिहरी जिले के नरेंद्र नगर ब्लॉक की नेहा रोतेला ने भी प्रतिभाग किया, जिससे गांव और परिजनों में खुशी की लहर है। राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय रामपुर की 10वीं की छात्रा नेहा एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। नेहा के माता पिता मजदूरी और खेतीबाड़ी का काम करते हैं। बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई में अव्वल रही, जिसके चलते प्रधानमंत्री परीक्षा परिचर्चा कार्यक्रम चयन के लिए पूछे गए सभी सवालों का सही जवाब देने पर टिहरी से नेहा का चयन किया गया। हाँ, ऐसे कि अब अपने मेहनत करके कभी काम पे चले जाते, कभी घर में काम कर देते, और अपनी मेहनत करके अपनों बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि मेहनत करके
कि पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे कुछ ना कुछ बनेंगे। मेरी बच्ची आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री के सम्मेलन में गई है और हमारे पूरे परिवार को और मेरे उत्तराखंड के सब टिहरी जिला से सारे लोगों को बहुत खुशी की गर्व की बात है। आज हमारी बेटी टीचर लोगों ने भी बहुत सपोर्ट दिया उनको। जो भी पहाड़ के बच्चे हैं वो जन्म से ही संघर्ष के साथ जीते हैं और आप यहाँ पर आकर के देख रहे होंगे कि इस परिवार में किस तरह से ज़िंदगी को जीने की जद्दोजहद है। पिता की अभी हाल ही में नौकरी छूट गई है क्योंकि दिल्ली में जो होटल्स में वो काम करते थे वो बंद हो गए हैं, तो वो घर आ करके यहाँ पर अब खेतीबाड़ी में दोबारा से लगे हैं। माँ भी खेतीबाड़ी कर रही हैं और उसी तरह से अपने बच्चों को पाल पोस रहे हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।